नमस्कार आदाब मैं हूँ फरहान और एस पी एन नाइन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रही है वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हम सीधे तौर पर कहें तो वामपंथी संगठन हैं जो वहाँ पर स्टूडेंट विंग हैं ए आई एस एफ हो ए आई एस ए हो जो भी हो जितने भी उन सब पर निशाना साधा जाता रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया गया था जबकि प्रधानमंत्री से यह भी सवाल किया गया है कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा क्या है फीस बढ़ोतरी को लेकर वहाँ प्रदर्शन चल रहा था आतंकवादियों का संगठन घुसता है हमला करता है पुलिस के सामने से हथियार लिए हुए वापस चला जाता है जिसमें छात्र संघ की अध्यक्ष हैं आई घोष उनको गंभीर चोट भी आ जाती हैं उनके सर में एक लोहे का रॉड या डंडा मारा जाता है जिससे उनके सर में 16 से 18 टाँके भी लगाए जाते हैं इतनी गंभीर चोट थी उसके बाद उन पर ही एफ दर्ज होती है सौ से अधिक सवालों का जवाब देती हैं अक्षत अच्छा और रोहित शाह नाम के जो व्यक्ति थे जिनका नाम सामने आया था स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वह गायब रहे उनका मोबाइल भी बंद रहा उन्होंने अब तक किसी सवालों का जवाब नहीं दिया है आयशी घोष की और वामपंथी छात्रों की जो मुहिम फीस बढ़ोतरी को लेकर थी अब वह कही कहीं ना कहीं शाहीन बाग के प्रदर्शन से भी जुड़ गई है यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिन आयशी घोष जो कि छात्र संघ की अध्यक्ष हैं वह निकल कर गई अपने तमाम टीम के साथ गई और शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल हुई वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और उन्होंने बहुत अहम बात कही यह बात बहुत ही अहम रही उन्होंने कहा कि जिस तरह शाहीन बाग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन है अद्वितीय प्रदर्शन है इस तरह की प्रदर्शन की आवश्यकता है देश को और उन्हीं के शाहीन बाग के जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं आयशी घोष ने बहुत ही अहम बात कही है जहां से बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रदान हुई होगी उन महिलाओं को जो प्रदर्शन कर रही हैं उन्होंने कहा है उन्हों कि आपके प्रदर्शन के कारण ही हमें हिम्मत प्राप्त हो रही है प्रदर्शन करने की जहां एक और आतंकवादी कहा जा रहा है हिंसाकारी कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि वह महिलाएं पांच पांच सौ रुपए लेकर के उस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं अपने छोटे बच्चों को लेकर ठिठुरती हुई ठंड में बाहर बैठकर जो औरतें प्रदर्शन कर रही हैं महज पांच सौ रुपए के लिए कर रही हैं वह कारोबारी जो अपनी दुकानों पर ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं वह मात्र पांच सौ रुपए के लिए ही वह प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह के बेतुके बयान सामने आ रहे थे आयशी घोष का यहां पहुंचना उन महिलाओं के लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा और ये शक्ति प्रदान करेगा आयशी घोष ने भी उनको बहुत बड़ा श्रेय दिया है और जो यह बात कही है कि आपके प्रदर्शन के कारण ही हमारी भी हिम्मत बढ़ रही है आयसी घोष का बहुत ही अद्भुत बयान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है इसकी आलोचना होती है आने वाले समय में या नहीं होती है यह भी देखना बाकी है लेकिन आयषी घोष जिस तरह शाहीन बाग पहुँची हैं उनके संबंध में आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आयशी घोष के संबंध में अपनी राय दें उन्होंने जो कहा है कि आपके प्रदर्शन की वजह से ही हमें भी शक्ति प्राप्त होती है संबंध में भी अपनी राय अवश्य दें कार्यक्रम को लाइक जरूर करें ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तब तक के लिए ज्यादा चाहूंगा नमस्कार